आप टाइम कम है। आज खर्ची पूजा है और खर्ची पूजा के दिन एक पॉलिटिकल पार्टी बंद कॉल करता है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन पिपरा साहब को एक बात बोलना चाहता हूं, वो पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं होता अगर ईद के दिन वो लोग बंद कॉल करते, वो पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं होता अगर काली पूजा में वो लोग बंद कॉल करते। लेकिन क्योंकि तिपरासा का प्रोग्राम है, तिपरासा का फेस्टिवल है, हमारा खर्ची है, तो इनको हमारा सेंटिमेंट के बारे कुछ फिक्र नहीं है। एक दिन बात कर लेते, एक दिन पहले कर लेते, किसी का मृत्यु हुआ है, आई अंडरस्टैंड, मैं हमदर्दी, हमारा हमदर्दी है परिवार के साथ, लेकिन हमारा तिपरासा के फेस्टिवल के दिन में आपने बंद कॉल किया, किसी और के फेस्टिवल के टाइम में आपका हिम्मत नहीं पड़ता क्योंकि आपको उन लोगों का सेंटिमेंट, उनका फीलिंग के बारे चिंता है, लेकिन हमारा बुकुंग बारा के सेंटिमेंट के बारे किसी को चिंता नहीं है। बुबागरा से फाइट करेगा कोई और, क्षत्रिय को दुश्मन से फाइट करना चाहिए, लेकिन त्रिपुरा में क्षत्रिय क्षत्रिय से फाइट करता है, इसके लिए हम लोग कमजोर है। ठीक ऑप्शन था हम सब में हंसा है ही नहीं। जब तक मैं विकास को सपोर्ट नहीं करूंगा, जब तक विकास को बुबागरा सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक बुबागरा को विकास सपोर्ट नहीं करेगा, आपको लगता है कि बुबागरा का घर को कभी विकास जलाएगा? नहीं जलाएगा। विकास का घर को भी बुबागरा नहीं जलाएगा। लेकिन हम लोग 5 साल तक एक संग फाइट कर रहा है और घर को और जला रहा है। पिपरासा को सोचना पड़ेगा, वी हैव टू रियलाइज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। We are going wrong because अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला, कहा है अपना, कहा है आई लव यू, हम बोलता है ना आई लव यू, बट यू डोंट लव योरसेल्फ। अगर आप एक दूसरे को प्यार नहीं करोगे तो थानसा कैसे होगा? अभी चित्तू महाराज, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं चित्तू महाराज, उनको स्कूल खोलना है, एबीसी एरिया में स्कूल खोलना है। हमको चित्तू महाराज ने बोला, महाराज बुबागरा आप थोड़ा सा लैंड दीजिए, हम स्कूल खोलना चाहते हैं, अपने टीपरा से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। अच्छा बात है कि नहीं? एबीसी किसके पास है? मेरे पास। लेकिन जहां पे जमीन चाहिए हमको मांगना पड़ता है से स्टेट गवर्नमेंट, नॉट विकास, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट नहीं देता, अधिकार नहीं है, नाम है ऑटोनोमस एरिया काउंसिल, लेकिन लैंड राइट्स है नहीं, तो इसको बदलना चाहिए कि नहीं? शुड वी चेंज दिस इन ऑफ? पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं है सिर्फ शेड्यूल एरिया में कि पावर जमीन का किसी और के पास है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा है जहां में आप जमीन अपने ही जाति को नहीं दे सकते हैं, वरना खासी हिल्स में देता है, कार्बी में देता है, बोडोलैंड में देता है, दिमासा हसाओ में देता है, गारो हिल्स में देता है, सिर्फ त्रिपुरा में हमारा पास वो पावर नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं मिलता है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, इस महीना हम लोग जाएंगे, वी आर गोइंग टू गो टू दिल्ली और हम लोग बात शुरू करेंगे, एंड बुबागरा विल बी देयर टू।
And I want you to support me, not because I am Tipra Motha, I want you to support me because Ango Puida Tiprasa. I am first a Tiprasa. Or fight to my room. Because mere paas to sab hai. Aapke paas kuch nahi. Aapke liye fight karun. Dil se agar Tiprasa ne mujhe support kiya, तो ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य का जीत नहीं होगा, ये हर पिपरासा का जीत होगा जिसने 70 साल से अपने बारे में सोचा। इलेक्शन आएगा जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जाति को रहना पड़ता है। पार्टी आएगा जाएगा, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट। और अगर मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बात करूं तो अगरतला का न्यूज़पेपर लिखता है सांप्रदायिक है, महाराजा सांप्रदायिक है। 25 साल तक हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात बोलता, कोई ने सांप्रदायिक नहीं बोला। लालू प्रसाद यादव बोलते रहता है बिहार बिहार, कोई सांप्रदायिक नहीं बोलता है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मुंबई मुंबई बोलते रहता है, कोई सांप्रदायिक नहीं बोलता है। अरविंद केजरीवाल, मेरा दिल्ली 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 बोलते रहता, कोई सांप्रदायिक नहीं बोलता है। मद्रास में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, स्टालिन जयललिता, द्रविड़ 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 रोज बोलता है, कोई सांप्रदायिक नहीं बोलता है। लेकिन त्रिपुरा में अगर बुकुंबरा ने पिपरा साहब बोला तो सांप्रदायिक बोला जाता है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, बिकॉज ये हमको कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। थानसा को तोड़ने के लिए क्रिश्चियन हिंदू, थानसा को तोड़ने के लिए जमातिया दरबर्मा रूपिनी कलोय रामथोल, थानसा को तोड़ने के लिए आईपीएफटी तिप्रा मोथा बीजेपी कांग्रेस, थानसा को तोड़ने के लिए, थानसा किसका थानसा तोड़ने के लिए, तीप्रासा का थानसा तोड़ने के लिए। क्योंकि जिस दिन तीप्रासा एक हो जाएगा पार्टी नहीं रहेगा, हमारा एजेंडा रहेगा, हमारा एजेंडा है तीप्रासा का कल्याण। तो मैं समझ गया हूं, जब मैं शुरू शुरू में जगदीश बाबू बने फर्स्ट के राजनीति में इतना नहीं समझता था। जब वीरेंद्र मुझे कुछ बोलता था मैं झगड़ता था, लेकिन अब आपका राजा भी समझ गया, मैं सब समझ गया। और मेरे अंदर से डर खौफ हट गया, आई एम नॉट स्केयर एनी मोर। और जिस दिन आपके दिल से डर हट जाएगा ना, कोई आपको दबा नहीं। जिस दिन आपके अंदर लालच नहीं होना, कोई आपको खरीद नहीं सकता। और जिस दिन आपका विश्वास और आपका अंदर प्यार रहेगा ना, तो जितना भी पावर आ जाएगा, कोई अहंकार नो ईगो विल स्टॉप यू फ्रॉम लविंग योर पीपल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल इट। एंड किसी ने बोला महाराज आशीर्वाद दो, नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर आएगा। मुझे तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, मुझे कमजोर करने, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो हार मेरा नहीं आप सबका होगा। तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर कभी कभी मुझे भी अकेला लगता है, समटाइम्स मुझे भी लगता है कि थक गया हूं। कभी कभी अगर विकास आपने एक दिन फोन करके बोल दिया मुबागरा आप ठीक कर रहा, मैं आपके साथ हूं ना, इतना अंदर में एनर्जी मिलता है ना। जब मैं हताई कतौर में हंगर स्ट्राइक कर रहा था, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंदर है मेरे शांति का समय। जब कुछ महाराज ने
मुझे फोन किया, बोला आपका आप, चिंता है मुझे लेकिन मैं आपके साथ हूं। इसको आप हल्का मत समझिए, जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना वो पैसे का सपोर्ट से बड़ा है। जो दिल का सपोर्ट मिलता है ना उससे आपको हिम्मत मिलता है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर खांसा रहा जो अग्रीमेंट हुआ है, अग्रीमेंट में हमने कभी भी अपना डिमांड को हटाया नहीं है, बात चलेगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम लंबा खेलेंगे, हम इसको खेलेंगे लंबा। हमको मैगी नहीं चाहिए, हमको बिरयानी चाहिए, हमको 2 मिनट का सोल्यूशन नहीं चाहिए। हम लोग लंबा खींचेंगे, लंबा फाइट करेंगे। और अगर आस्ते आस्ते हम लोग लेते हैं जगह, आस्ते आस्ते हमारा पीपरासा का जिंदगी अच्छा बनता है, आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप एक रहे ना, इफ यू ऑल रिमेन टुगेदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीपरासा गरीब है और पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, जगदीश बाबू, बीरेंद्र बाबू, चित्त बाबू, चित्त महाराज, दुनिया में आप कभी नहीं देखेंगे टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती कभी फाइट करता, कभी फाइट करता, कभी नहीं करता। सब लोग अमीर है, अमीर कभी फाइट नहीं करता है। आप कभी नहीं देखोगे कि उनके बीच में कुछ झगड़ा है। डिवाइड कौन होता है? अफ्रीका में के लोग जो गरीब हैं, बंगाल में जो गरीब हैं, झारखंड में जो गरीब हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिजिनस ट्राइबल्स कोई भी हो जो गरीब है, डिवाइडेड वो है। गरीब हमेशा बढ़ता है और अमीर कभी भी फाइट नहीं करता। क्यों? क्योंकि गरीब को आप 200 रुपया, 100 रुपया देकर पूरा दिन बोलते इसको मारो, ये लो 100 रुपया फाइट करो। जिसके पेट में खाना नहीं होता है ना, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होता है, वो उसको आप खेल सकते हैं। जिसके पास अगर परिवार में दोनों भाई भूखा है ना तो झगड़ेगा। अगर पेट में खाना नहीं है तो सबसे पहले आप अपना मां, अपने बाप से फाइट करेगा, अपने भाई से फाइट करेगा, क्योंकि तो पेट खाली है। तो गरीब को बांटना आसान है। गरीब को 100 रुपया दे दो, बोलो वंदे मातरम, पूरा दिन वंदे मातरम बोलेगा। गरीब को 100 रुपया दे दो, बोलो भारत माता की जय, पूरा दिन भारत माता की जय बोलेगा। लाल सलाम, पूरा दिन लाल सलाम बोलेगा। टिपरा मोटा एक लक्ष भी पूरा दिन बोलेगा। 100 रुपया देने, क्यों? वो 100 रुपया से वो कुछ खाता है, अपने बच्चे को कुछ खिलाता है। ठीक बोल रहा हूं? Am I right? तो गरीब को बांटना बहुत आसान। गरीब को 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, बोलो वो जमातिया है, वो देवर्मा है, वो त्रिपुरा है, वो कई कई है, वो कलोए है, फाइट करो, ये तुम्हारा जमीन ले रहा है। हमेशा हमको बांटता है। हमको आज बोला जा रहा है, अरे विकास ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, अरे विकास का पोस्ट लो। क्यों? क्यों? अपना पीपरासा है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, अगर कुछ लेना है तो हेल्थ लो, पीडब्ल्यूडी लो, आरटी लो, फाइनेंस लो, लेकिन नहीं, सब पीपरासा लोगों को एक ही पोस्ट चाहिए, विकास का पोस्ट, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स पीपरासा का बाकी किसी का नहीं। हमको तो खुश होना चाहिए और हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमको
और चाहिए, लेकिन नहीं, डिवाइड करो। दुश्मन कौन है? विकास। कौन बोल रहा है ये? इसके पीछे है कौन? कौन हमको समझा रहा है कि ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमको बोला गया है कि ये ही आपका अधिकार है, इसके बाहर आप मत देखो। वो 20 सीट में 50-60-100 टीका सा फाइट कर रहा है। कौन बोलता है कि 20 सीट हमारा है? 20 से भी ज्यादा हमारा है, 20 से भी ज्यादा हमारा है। और जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना, तो बैक फुट में खेलने से कुछ नहीं होता, फ्रंट फुट में खेलो। बैक फुट में खेलेगा तो आपको तोड़ेगा, फ्रंट फुट में आप खेलेंगे तो आपको और कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं एडीसी में रुकता नहीं हूं, मैं ग्रेटर तीपरा लैंड के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मुझे फ्रंट फुट में खेलना है। अगर फ्रंट फुट में खेलोगे तब हमारा खांसा रहेगा। अगर 20 में हम लोग फाइट करते रहे 20 से 20 सीट में, तो तीपरासा का खांसा कमजोर होता है। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, सिर्फ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, सिर्फ लैंड रेवेन्यू है, तो बाकी 60 मिनिस्ट्री का क्या करेंगे? क्या आज तीपरासा हेल्थ मिनिस्टर नहीं बन सकता है? आज तीपरासा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता है? कि आज हमको सिर्फ वही जगह दिखाया जाएगा, ये तुम्हारा कुर्सी है, इससे बाहर सोचोगे नहीं मिलेगा। हुकुम है, कौन हुकुम देता है हमें? क्योंकि फांसा है। सो ट्राई टू थिंक बिगर, सोचो बड़ा, और अपने ऊपर अपने लोगों को प्यार करना सीखो। आपने बोला बुबागरा प्यार करता है, बुबागरा को एक आदमी आपको प्यार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग अपने दूसरे को प्यार नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अंग्रेज ने इंडिया में राज क्यों किया? क्योंकि हिंदुस्तान डिवाइडेड था, इंडिया डिवाइडेड था। मुगल क्यों आए? जब 5,000 महाराज था इंडिया में, तो बाबर क्यों आए? क्योंकि राजा के बीच में थानसा नहीं था, धर्म एक था लेकिन यूनिटी नहीं था। इंग्लिश क्यों आए? 5,000-10,000 इंग्लिश ने 190 साल हमारे ऊपर राज किया। क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, बिहारी थे, उड़िया थे, मराठी थे, यूपी वाले थे, लेकिन इंडियन नहीं थे। आज सब लोग बोलते हैं कि अंग्रेज ने जलियांवाला बाग में हमारे हिंदुस्तान को मारा। मारा? नहीं, नहीं मारा। ऑर्डर जनरल डायर ने दिया, जनरल इंग्लिश था, इंग्लिश ने बोला फायर, लेकिन फायर किसने किया? इंडियन सोल्जर ने अपने लोगों को। इसको, इसके लिए हम लोग गुलाम थे। आज अगर हमको एक होना है तो ऑर्डर सुनो मत, पहले ऑर्डर अपना दोहा का होना चाहिए, कोई लीडर का नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी का है। आज खर्ची है, यहां में कमल कोल है, खर्ची के फेस्टिवल में एडीसी ने अनाउंस किया है कि गालिब को 4,000 रुपया एवरी मंथ और चारपाई को 5,000 रुपया एवरी हर महीना एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। एडीसी के पास इतना रुपया नहीं। मैं अपने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं, आप इसमें हमको सपोर्ट करो। अगर अपने दालिल चौथाई को हमने इज्जत दिया ना, तो दूसरे लोग भी उनको इज्जत देंगे। हम लोग अपने लोगों को इज्जत नहीं देते, इसके लिए आप सपोर्ट करो।
मैंने कैलकुलेशन किया, आप जानते कितना खर्चा होगा अगर दालें और चंपाई को खर्ची में हर महीना हमने 4,000 रुपए और 5,000 दे दिए तो 18,80,000। यह अस्तबल में अलका याग्निक का प्रोग्राम के लिए स्टेट गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता है, हम लोग अपना चंपा दालिन के लिए इतना रुपए नहीं खर्चा कर सकता। आप प्लीज कुछ कीजिए। और आई एम सेइंग इट बिकॉज योर पिता से बर्मा, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। और हम जानता ही करें इस दिल में है करेगा। और प्रश्न में डाल रहा हूं, अगर नहीं करने दिया तो हम एनीथिंग करेंगे, करेंगे। अपने तीसरा सा के पॉकेट में रुपया डालेंगे, अपना तीसरा सा घर बनाएगा तो हम लोग बोलते अरे कमर कोले का घर इतना हो गया, देखो कहां से पैसा आया। कमर कोले का घर बनेगा, हम आई एम प्राउड उसका घर बना। वीरेंद्र किशोर वीरेंद्र त्रिपुरा का स्कूल बनेगा, आई शुड बी प्राउड हमारा वीरेंद्र ने स्कूल बनाया। हम लोग क्या है, कहां से रुपया आया वीरेंद्र के पास? अरे आया जैसा भी आया, अपना कुकुम्बारा के पास आया ना, किसी बाहर के आदमी के पास तो नहीं आया। हमको प्राउड होना चाहिए। आई लव माई पीपल एंड आई वॉन्ट माई पीपल टू कम अप, आई वॉन्ट यू ऑल टू कम अप। और मैं डर से बात नहीं करता हूं। कितने लोग को पैसा दिया गया महाराज को अटैक करने के लिए, अपने ही लोग अपने ही कम्युनिटी से कितना लोग ने मुझे अटैक किया। अटैक तो मुझे किया लेकिन ऑर्डर किसने दिया? गोली तो मारा जलियांवाला बाग में इंडियन का सोल्जर ने, ऑर्डर किसने दिया? हम लोग फाइट कर रहा है, एक दूसरे से फाइट करना चाहिए जो ऑर्डर दे रहा है उनको। और मैं दिल्ली जाऊंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं जाऊंगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो जो मैं बात कर रहा हूं ना मैं करूंगा। इट इज बेटर टू फाइट फॉर योर पीपल टुडे than to live like a coward for the rest of your life. I'd rather, और बोलते कि आपका अलायंस हो गया आप चुप रहेंगे, आपका अलायंस हो गया आप चुप रहेंगे। मेरा बहन यहां है, मेरा अलायंस सबसे पहले मेरा अलायंस मेरा जाति के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं है। कि जब तक हम लोग अपना हला अपना ओकरा अपना चांता है अपना समाज अपना दोहा को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोगों का कम्युनिटी में आज न्यू लीडर्स का दरकार है। मैं चंद्रदेव रुक्मिणी को देखता हूं, सब लोग बोलते हैं कि ये एक्स एमडीसी, नहीं ये मेरे लिए रुक्मिणी समाज का लीडर है। एमडीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग एनडीसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोग एमएलए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ दो सरकार है देना चाहिए लेकिन उसके बाद भी कम्युनिटी को देना। लास्ट में आई थैंक एवरीवन, बहुत अच्छा लगता है नहीं आ करता, डर डर के रात में फोन आता था, हमार तो मन छिलो आज तो पढ़ लम ना, पूरे मुख्यमंत्री अमर भालो पाएगा आज तो ऐसे। आज कोई डिफरेंस क्यों? क्योंकि हम लोग अब हमारे पास थोड़ा सा शिक्षा आ गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग जानते हैं पूरे दुनिया में क्या हो रहा है। और आज ये जो हमारा मूवमेंट है, कुछ भी हो, जो पुइला जाति उलो पार्टी का मूवमेंट मैंने आज से 5 साल पहले किया था, आज नागालैंड का लोग भी बोलता है वाओ त्रिपुरा ने कर दिया, मेघालय भी बोलता है कुछ हो रहा है, मिजोरम भी बोल रहा है नॉट बैड। आज बुकुम्बारा का थोड़ा अलग रिस्पेक्ट है त्रिपुरा में। और ये इस बुबागरा के लिए नहीं हुआ, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते,
ये हुआ है थानसा के लिए, थानसा के लिए। और अगर थानसा 3-4 साल रहा तो दिल्ली अगरतला सबको हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा अगर थानसा नहीं रहा तो, कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लोग फाइट करते रहे तो, सब कुछ मिलेगा अगर हम लोग समझ गए कि पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, इलेक्शन आएगा जाएगा, हमारा एजेंडा, हमारा एजेंडा, हमारा पॉलिटिकल राइट्स, हमारा इकोनॉमिक राइट्स, हमारा कल्चरल राइट्स, हमारा लैंड राइट्स, हमारा लैंग्वेज का राइट्स, ये कोई भी पार्टी आए हमारा ये राइट्स को पहले आप करो तब हमसे सपोर्ट का उम्मीद करो। ये अगर हमने क्लियर रखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। ऑल ऑफ यू ऑल थैंक यू वेरी मच। खारची के इस अवसर में इसके बाद लायन कहां है? लायन वेयर इज दिलीप? खाना का अरेंज किया है कि नहीं आपने? If you are scared of speaking and being with your community, then you will achieve nothing in life. It is better to die fighting for your people than to live a life like a coward. Tripura Kshatriya Samaj is not a political body. Tripura Kshatriya Samaj mein sab log welcome hai. आपका धर्म कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, आई सी क्रिश्चियंस हैं, आप हिंदू हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप एथियस्ट हो, आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते, नो प्रॉब्लम। त्रिपुरा क्षत्रिय समाज का उद्देश्य और मोटिव और गोल और एजेंडा रहना चाहिए हाउ टू कीप थानसा फॉर द तिप्रासा पीपल। तिप्रासा पीपल आर वीक टुडे, आज हम लोग कमजोर हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं है? तिप्रासा लोग आज वीक है कि नहीं? आप लोग थोड़ा जान लेके बोलिए, हां कि नहीं? क्यों? क्षत्रिय तो कभी कमजोर नहीं होता है, कुमलों में भी नहीं। सब चीज कुमलों में क्यों होगा? सब चीज कुमलों में क्यों होगा? ये हम लोग करेंगे जहां में आप लोग डिसाइड करना, लेकिन अपना गांव के साथ, अपना गरीब तिपरा जो यहां आ नहीं पाया उनके साथ एक अच्छा से बड़ा प्रोग्राम करो, बड़ा प्रोग्राम करो। और उस दिन सिर्फ दिन में मत करो, रात में भी करो, पूरा रात होना चाहिए प्रोग्राम। हम लोग मस्तें खाएंगे, अवान खाएंगे, सब खाएंगे, नाचेंगे सब, और अच्छे से करो। क्योंकि जब हम लोग एक होते हैं, एक संग खाते हैं, एक संग बैठते हैं, प्यार बढ़ता है, थानसा बढ़ेगा। गलाई बलाई नो हम भाई खुलूं खा। स्वर्ण कमल स्वर्ण वर्षा 2 जुलाई থেকে 3 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।